सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने पे सवार को कभी गिरने नहीं देती है। तो दोस्तों, एक और मोटिवेशनल वीडियो लेकर हम हाजिर हैं। यह मोटिवेशनल वीडियो, यह कहानी है किसान की धैर्य की। चलिए इस कहानी को सुनते हैं। एक समय की बात है, एक किसान था जिसके पास एक घोड़ा था। वह अपने घोड़े से बहुत प्यार करता था। उसे अपने घोड़े पर बहुत गर्व था, जो किसान की कमाई का जरिया भी था। अपनी इस कमाई से किसान अपने और अपने परिवार का पेट भरता था। लेकिन एक दिन वह घोड़ा भाग गया। उसके भागने के बाद समाज के लोग और उस किसान के पड़ोसी उसके पास आकर उससे कहने लगे, हे भगवान, तुम्हारा घोड़ा जिस पर तुम्हें घमंड था वह तो भाग गया। उसको संतावना देने लगे कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन किसान ने उसका जवाब नहीं दिया, बहुत ही सहजता से देते हुए कहा, हाँ बहुत बुरा हुआ। फिर अगले दिन घोड़ा वापस आ गया। लेकिन सिर्फ घोड़ा वापस नहीं आया, बल्कि अपने साथ घोड़ा तीन और जंगली घोड़े को भी ले आया। फिर उसके पड़ोसी अगले दिन फिर उसके पास दौड़ते हुए आए और कहने लगे, आपका घोड़ा आ गया और वह अपने साथ तीन घोड़े को भी लाया है, यह तो बहुत अच्छी बात है, आपकी किस्मत तो बहुत ही अच्छी है। किसान बहुत खुश हुआ, उनकी तरफ देखा और फिर उसका जवाब बहुत ही साधारण रूप से दिया और कहा, हाँ शायद। कुछ दिनों के बाद किसान का बेटा उसी जंगली घोड़े में से किसी एक को काम के लिए उपयोगी बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसी कोशिश के दौरान घोड़े ने उसे जमीन पर पटक दिया और उसका पैर बुरी तरह से टूट गया। उसके पड़ोसी उससे कहने लगे, उस पागल घोड़े ने देखो तुम्हारे बेटे का क्या हाल किया है, उसका पैर तोड़ दिया, यह तो बहुत बुरा हुआ। किसान दुखी हुआ और फिर से उसी तरह जवाब दिया, हाँ शायद मेरे बेटे के साथ बहुत गलत हुआ। अगले दिन सेना के कुछ जवान उस किसान के पास आते हैं जो जंग छिड़ने के कारण नए जवानों की भर्ती कर रहे थे। उसमें से एक जवान ने किसान के बेटे को पैर को देखा और बोला, इसका पैर तो टूटा हुआ है, हम इसे सेना में भर्ती नहीं कर सकते। और वे जवान गांव के सभी लड़कों को अपने साथ लेकर चले गए। यह जानकर उसके पड़ोसी और गांव वाले उसके पास आए और बोलने लगे, तुम्हारे बेटे को तो जवान जंग के लिए नहीं ले गए, तुम्हारी किस्मत तो बहुत ही अच्छी है। इस आखिरी बार भी किसान ने फिर से वही सहजता के साथ कहा, हाँ शायद। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमारे लिए चीज़ों को नकारात्मक ढंग से सोचने में जरा भी समय नहीं लगता है। जब भी हमारे अनुकूल नहीं होता है तो हम उसे बुरा ही समझते हैं। लेकिन यह कोई नहीं जानता कि जो हमारे साथ हुआ वह अच्छा था या बुरा। इसलिए आप हमेशा परिणाम को समय पर छोड़ दीजिए। हमारे बड़े बुजुर्ग ने सही कहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह छोटी सी लाइन हमें बहुत कुछ सिखा जाती है और ये बात हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर आपको एक कहानी पसंद आया और आप इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।